गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना और मटर की सब्ज़ी। दोनों चना भी है और मटर भी है कुछ, इसको मिक्स करके बनाऊँगी। और यहाँ मैंने आलू को कट कर लिया है, उबाल के नहीं कट करके। तो ये मैंने बड़े बड़े दो आलू कट कर लिए हैं। यहाँ मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। इधर मैंने दो प्याज, दो तीन मिर्च, दो तेज़पत्ता सब तोड़ के रख लिया है। और देखिए सबको तो उबाल के बनाते हैं, मैं यहाँ आलू को कट करके बनाने जा रही हूँ। और आप लोग कैसे बनाते हैं? उबाल के भी मैं बनाती हूँ, पर आज मैं कट करके बना रही हूँ ऐसे। तो दो बड़े बड़े आलू को मैंने कट कर लिया है। और यहाँ मटर और थोड़ा चना है, दोनों मिक्स करके बनाऊँगी, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ और आप लोग कैसे बनाते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हमको। गैस मैंने गैस को ऑन कर दिया है और यहाँ पानी को सूखने देते हैं, कुकर में बनाएंगे। उसके बाद देखिए आप कैसे बनाते हैं सब्जी, ये चना और मटर की। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। मैंने इसमें ऑयल, जीरा और मिर्च और तेज़पत्ता डाल दिया है, तो देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऑनियन प्याज डाल देती हूँ। तो जो मैंने मीडियम साइज प्याज ले लिया था तो उसको मैं ऐड कर दी। तो मैं इसको भुनाने देती हूँ, उसके बाद में मैंने चना, मटर और आलू को ऐड कर दिया। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देती हूँ इसमें। अब इसमें मैं मसाला डालूँगी, तो जो मैं सिंपल मसाला डालती हूँ वही डालूँगी। आप सबसे मैंने और भी सारे जो ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने बताया भी था, तो ऐसे ही मैं डालूँगी, वही सब मसाला इसमें ऐड करूँगी। बहुत टेस्टी लगता है, तो आप लोग चिकन मटन भी खाना भूल जाएंगे, ऐसे बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और सबको उबाल के बनाते हैं, पर मैंने कट करके भी बनाया है, उबाल के भी बनाती हूँ और आज मैंने कट करके भी बनाया है। तो आप लोग भी ऐसे बना के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है और आप लोग बनाते होंगे तो अच्छी बात है। देख गए यहाँ मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, ये और क्या बोलते हैं आपको, हल्दी पाउडर, नमक सब मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं जाती हूँ टमाटर ऐड कर देने, उसके बाद मैं इसको दो सीटी लगाऊंगी, उसके बाद फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ आप सबको। देख सकते हैं गाइस मैंने दो टमाटर को कट कर लिया है, बीच से दो नहीं तीन टमाटर को। अब इसमें मैं डाल देती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी चना और मटर दोनों मिक्स करके बनाइए, काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के दो सीटी लगाऊंगी, उसके बाद फाइनल लुक आप सबको दिखाती हूँ कैसा लगता है देखने में। यहाँ फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मटर और चना और आलू की सब्ज़ी बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग ऐसे झटपट बनाइए, जल्दी भी बनता है और टेस्टी भी लगता है। आप लोग ये मटन, चिकन ये सब खाना भूल जाएंगे, ऐसे बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, तो आप लोग भी ऐसे बना के खाइए, बहुत जल्दी बनता है ये सब्जी। और देखिए यहाँ पर काफ़ी इधर तेल भी छोड़ दिया है। तो देखिए फाइनल एज ऐसे मेरा बन के रेडी हो गया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग इससे अलग बनाते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टाइप का भी बनाऊंगी। तो मेरा तो यही है, फिर मैं ऐसे ही रेसिपी लाती रहूंगी। फिर मिलती हूँ ऐसे ही अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।